मैं मशकूर हूँ जे के न्यूज़ ब्रेक का कि आज हमारे अल हाज मोहम्मद यूनुस जी जो कि 41 साल सर्विस पूरी करने के बाद और 60 साल उम्र पूरी करने के बाद सुखदोष होने जा रहे हैं। ये इनके काम की जो है बात है कि इन्होंने इतने अच्छे से स्कूल में काम किया और इतने ग्रेट पंप और शोक के साथ आज घर जा रहे हैं। इन्होंने इस स्कूल की शान को बहुत दुबाला किया, बड़ी डेडिकेशन के साथ यहाँ काम किया। इस स्कूल की चाहे एकेडमिक साइड हो चाहे डेवलपमेंट की साइड हो, हर में जो है वो अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अपने तमाम साथियों से ये इल्तिजा करूँगा कि इन्हीं के नक्शो कदम को अपनाते हुए, क्योंकि आज का दौर बड़ा ख़राब है, तो अच्छा काम करेंगे तो उसका फल जो है वो अंजाम अच्छा होगा और इसी तरीके से जो है पुरवकार तरीके से अपने घर को जाओगे। आज का दिन हमारे लिए एक तरफ तो खुशी का मकाम है कि अल हाज यूनुस साहब जिन्होंने इसी स्कूल में फर्स्ट में एडमिशन ली थी और 41 साल सर्विस गुजारने के बाद आज जो है हम उनको सीएफ कर रहे हैं और साथ में एक कमी भी महसूस करते हैं कि उनकी खिदमात जो हैं उनसे हम महरूम हो जाएंगे। और मैं इनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि इसके बाद भी तो ये अपने स्कूल को पूरा तावन देंगे। ये हमारा स्कूल अयारपुरा जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट है, 1935 में खुला था। तो इस स्कूल की जो जहाँ तक कारहाय नुमाया का ताल्लुक है, मंजा कोट की जितनी क्रीम है वो इसी स्कूल की प्रोडक्ट है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज तमाम उस्तादा इकराम ने यहाँ के सरपंच साहब जो सादर खान साहब हैं और दीगर इनके साथ जो इनके पंचज हजरात हैं सब ने इनका बड़ा जो पुरवकार तरीके से इनको सियाफ कर रहे हैं। मैं इनका भी मशहूर हूँ और यून साहब के लिए दुआ करता हूँ कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अल्लाह ताला बेहतर गुजारे। मिसरे बुलबुल आए थे, मिसरे बुलबुल आए थे सहर गुलशन का चले, संभाल माली बाग अपना। ये तो आपने कहा। मैं जे के न्यूज़ ब्रेक मीडिया का बहुत ही मशहूर हूँ कि आज ये हमारे साथ आए, मैं इनके सामने हूँ। मैं हाजी ममनू हेड मास्टर रिटायरमेंट जा रहा हूँ, तकरीबन 41 साल सर्विस शुरू करने के बाद हाई स्कूल हयातपुरा से रिटायरमेंट होकर वापस जा रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों का बहुत तय दिल से मशहूर हूँ कि जिन्होंने अपना वक्त सर्फ करके यहाँ मेरे साथ आए और मेरे साथ शमूलियत की। तो मैं इन तमाम लोगों से और ख़ासकर उस्ताद बरादरी के जितने हजरात हैं मैं इनका तय दिल से मशहूर हूँ। और मैं ये सब लोगों को ख़ासकर उस्ताद बरादरी के जो लोग हैं मैं इनसे ये तवक्को रखूँगा इन फ्यूचर कि ये भी आने वाली जितनी जनरेशन है उसके साथ मेहनत करेंगे और अच्छी एजुकेशन की डोज देंगे ताकि हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूशन की शान ज़्यादा बढ़े और यहाँ के लोग जो हैं ये भी तकरीबन तमाम इस उस्ताद बरादरी से फ़ायदा लें और फ़ायदा उठाएं और तरक्की करें, इसका पूरा इसका लाभ उठाएं, तरक्की करें। और ये स्कूल और बल्कि तमाम ये हमारा ये पंचायत पूरी जो है ये इससे पहले भी तकरीबन बहुत यहाँ हमारी ये पंचायत जो आयात पर है ये सैर फहरिस्त है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। हमारे सरपंच साहब जो हैं जो साबर साहब हैं इन्होंने बहुत काम किया है और पब्लिक भी खुश है और आगे भी इंशाल्लाह मैं तो रखूँगा।